प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने आध्यात्मिक कार्यक्रमों की ओर युवाओं को प्रेरित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोटलर के आईटीआर मैदान में आयोजित विज्ञान मेला में ज्ञानोदय का कल समापन हो गया। इस समूह में बीएसएनएल ने अगले दो महीनों के दौरान दूरसंचार सेवाओं में सुधार का आश्वासन दिया है। एनजीओस एसोसिएशन की ओर से आयोजित शतरंज टूर्नामेंट कल सम्पन्न हो गया और एनजीओ जा रहा है। कलाकारों के संघ ने ज्योति लगराजू का अपना राज्य उत्सव मेला चेन्नई मिशन पोर्टल में कल गीता ज्ञान यज्ञ आरंभ हो गया। उद्घाटन समारोह में प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आध्यात्मिक कार्य करने में युवाओं को भी जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में मिशन के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रलाचा ने अपने स्वागत संबोधन में कार्यक्रम के उद्देश्य का प्रकाश डाला। चेन्नई मिशन के आचार्य स्वामी कृपानंद जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं से अपील की कि वे नियमित रूप से सुबह शाम के कार्यक्रम में शामिल हों। पुणे से पधारे आचार्य स्वामी अर्पितानंद ने कल शाम अपने प्रवचन में गीता के 16 अध्यायों का सार महत्व प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि गीता मानव समाज के लिए एक अनमोल ग्रंथ है, इसके ज्ञान से हमें जीवन जीने की कला समझ में आती है। स्वामी जी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का मनीषियों और विद्वानों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या के साथ विश्लेषण किया है। जिन महापुरुषों ने इस ग्रंथ से प्रेरणा ली वे महानता को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों और युवाओं को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पठन पाठन करना चाहिए और सत्संग में शामिल होकर ज्ञान हासिल करना चाहिए। गीता ज्ञान यज्ञ का ये कार्यक्रम इस महीने की 21 तारीख तक चलेगा। शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन होगा और प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक अमृत बिंदु उपनिषद की स्वामी जी मीमांसा करेंगे। उद्गर के आईटीआर मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी ज्ञानोदय का कल समापन हो गया। इस मौके पर शिक्षा सचिव और निदेशक बीएन सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तारीफ की। विभिन्न विशेष श्रेणियों के अंतर्गत विजेता स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस प्रदर्शनी में देश समय के 9 शैक्षिक अंचलों के विद्यालयों ने भाग लिया, जिसमें दक्षिण अंडमान अंचल सर्वप्रथम रहा। प्रदर्शनी में करीब 400 मॉडल प्रदर्शित किए गए। आज स्कूल की ओर से खान पान के स्टॉल भी लगाए गए थे। भारत संचार निगम लिमिटेड कर्मचारी यूनियन की अंडमान निकोबार इकाई की ओर से कल पोर्टर में परिमंडल सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूनियन के महासचिव बी अभिमन्यु ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन पर सरकार पर आरोप लगाया कि वो विभाग के कर्मचारियों पर ध्यान नहीं रख रही है। सम्मेलन में अंडमान निकोबार दूर संचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक की शव यात्रा अजमेर में 11 बजे से निकले स्थित इनके निवास स्थान से निकाली जाएगी।